बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव कल गया पहुंचे। गया पहुंचते ही उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा भव्य स्वागत किया गया, गुलदस्ता देकर, बुके देकर। और ऐसे में आपको बता दें कि तेजस्वी यादव से ने सीधे तौर पर कहा कि देखिए जिस तरीके से आज हम गया पहुंचे हैं, बौद्ध धर्म के दलाई लामा से भी मुलाकात करेंगे। और ऐसे में जब उनसे इंडिया गठबंधन के संयोजक बनाने को लेकर जब सवाल किया गया तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि देखिए मुख्यमंत्री हमारे अनुभवी हैं, अगर हम लोग की बैठक में क्या कुछ प्रस्ताव रखा जाता है तो जरूर उन्हें संयोजक बनाया जाएगा। और वही उन्होंने उनसे जब सवाल किया गया ईडी कार्रवाई को लेकर तो कहें कि जिस तरीके से देखिए जब तक चुनाव चलता रहेगा तब तक ये होता रहेगा, केंद्र सरकार अपने इशारों पर ईडी का फायदा उठाते रहेगी और उनको काम करवाते रहेगी। ऐसे में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव गया पहुंचते ही क्या कुछ कहा है आप भी सुनिए। पब्लिक डोमेन में नहीं है, पब्लिक डोमेन में तो डाला ही गया है ना भाई, अब बल्कि सदन के पटल पर रखा ही गया सारा, वो भी कास्ट बेस सर्वे हुआ जो पिछला विधानसभा सत्र था जब सदन के पटल में रख दिया गया, कॉपी जो बढ़ गई वो तो पब्लिक डोमेन हो ही गया, सारी सबको तो जानकारी दे ही दी गई। नीतीश कुमार संयोजक बन रहे हैं क्या इंडिया एयरलाइंस के? नीतीश कुमार संयोजक बन रहे हैं इंडिया एयरलाइंस के? देखिए एक बात सर जी, मुख्यमंत्री जी जो है सबसे अनुभवी है ना, अगर ऐसा कोई प्रस्ताव है तो अच्छा ही है बिहार के। तो हम लोग तो मकसद है कि मिल करके बीजेपी को जो है हराए, हम लोग एक हुए पिछले साल अगस्त के महीने में, तो हम लोगों ने तो ये बात कही थी कि सब लोगों को एक करेंगे और एकजुट करके जो है हम लोग आगे लड़ाई लड़ेंगे, हाँ कोई चिंता नहीं। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर जब उनसे सवाल किया गया कि इंडिया गठबंधन के संयोजक को लेकर, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि देखिए नीतीश कुमार अनुभवी मुख्यमंत्री हैं, अगर प्रस्ताव रखा जाएगा तो जरूर वो जरूर उन्हें संयोजक बनाया जाएगा। और ऐसे में जब उनसे यही ईडी को लेकर जब सवाल किया गया तो उन बोले कि जब बार बार एक ही टिप्पणी करना उचित नहीं है क्योंकि जब तक चुनाव चलता रहेगा इन लोग ऐसे ही करते रहेंगे। ऐसे में दलाई लामा से आज तेजस्वी यादव मुलाकात करेंगे, वही बौद्ध धर्म के जो दलाई लामा उनसे मुलाकात करेंगे, वही अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे और राजनीति पर क्या कुछ चर्चा करते हैं वो तो देखने वाली बात होगी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें देशटी न्यूज़। धन्यवाद।